Hang him from the yard. तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बतानी है आपको, जो कि फ्री रैप्टर स्किन मिल रहा होगा, आप में से बहुतों ने ले भी लिया होगा। तो इवेंट चल रहा है, इसलिए जो है पार्क वाले सबको रैप्टर स्किन दे रहे हैं फ्री में। तो मेरे पास रैप्टर तो है नहीं, वरना मैं रैप्टर पे लगा के आपको ज़रूर दिखाता ये स्किन। तो करेंगे जब रैप्टर टाइम, तो ज़रूर दिखाएंगे आपको ये रैप्टर का स्किन। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू टेम अ डायनासोर। तो ये वीडियो उनके लिए बनाई है मैंने जो नए प्लेयर्स होते हैं आर्क के, और उन्हें नहीं पता होता कि हम डायनासोर कैसे टेम कर सकते हैं। और ये भी बताएंगे आज की वीडियो में हम कि कितने वेपन्स होते हैं किसी डायनो को नॉक करने के लिए, और कितने तरह के डायनोज होते हैं, और कैसे हम जो है फास्ट डायनो टेम कर सकते हैं, और कितने तरीके होते हैं डायनो टेम करने के। और वेपन्स की जो है चार कैटेगरी होती है, एक प्रिमिटिव, और एक होता है जर्नीमैन, और एक होता है मास्टर क्राफ्ट, और एक होता है असेंडेंट। जो प्रिमिटिव होता है उसका डैमेज और ड्यूरेबिलिटी जो है जर्नीमैन से कम होता है, और जर्नीमैन का कम होता है मास्टर क्राफ्ट से, और मास्टर क्राफ्ट का कम होता है असेंडेंट से। और जो असेंडेंट आइटम्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, अगर आप किसी डैनो को किलिया टैम करने जा रहे हो तो असेंडेंट आइटम्स बहुत अच्छे होते हैं, आपको बड़ी ईजिली मार सकते हो, किल टैम कर सकते हो। और जो है असेंडेंट आइटम जो है इजी में नहीं मिलता है, अगर आप सर्वर में खेल रहे हो या फिर सोलो खेल रहे हो और इजी में खेल रहे हो तो आपको असेंडेंट आइटम्स नहीं मिलेंगे। तो अब डायनो की बात करते हैं, कितने टाइप के डायनो हैं। तो दो टाइप के डायनो हैं, एक वायलेंट और नॉन वायलेंट। तो पहले जो आते हैं वो आप पे अटैक नहीं करेंगे नॉन वायलेंट वाले, और वायलेंट वाले आप पे अटैक करेंगे। तो जैसे हो गया पैरासोर हो गया, अगर आप उसको मारोगे भी तो वो आप पे अटैक नहीं करेगा, बस वो भागेगा। डोडो भी है जो भागता है अगर आप उस पर मारोगे तो। और एक होता है ऐसा डायनो जो आप उसको मारोगे वो तभी आपको मारेगा, और एक ऐसा होता है अगर आपको वो देख भी लेता है तो आपको मारना चालू कर देता है, वो कार्निवोर होते हैं। और दो दो चीज़ें मांगते हैं जो हर्बीवोर डायनो होते हैं, उनको तो बेरी चाहिए होता है टैम होने के लिए, और जो कार्निवोर डायनो होते हैं उनको मीट चाहिए होता है टैम होने के लिए। और कुछ बहुत सारे डायनासोर ऐसे हैं जो ट्रैप में होते हैं, जो बड़े बड़े डायनोज होते हैं वो ट्रैप में ही टैम होते हैं, बिना ट्रैप के नहीं होते हैं। छोटे डायनो जो होते हैं वो ट्रैप मतलब बिना ट्रैप के भी हो जाते हैं टैम। तो अब आपको मैं बताता हूँ कितने वेपन है जिससे हम जो है किसी डायनो को नॉक कर सकते हैं। तो पहला तो हमारा वेपन हमारा हाथ ही है जिन्हें फिस्ट कहते हैं, हम फिस्ट से भी जो है किसी डायनो को नॉक कर सकते हैं, पर ज़्यादा बड़े डायनो को नॉक नहीं कर सकते हम, बड़े डायनो को नॉक नहीं कर सकते, छोटे ही डायनो को जो है नॉक कर सकते हैं, जैसे डोडो हो गया, लिस्ट्रो हो गया, मैक्सोप हो गया, इनको हम ईजिली से नॉक कर सकते हैं। तो अभी ढूंढते हैं डोडो, अगर डोडो मिलता है तो कहीं पे दिखाते हैं कि हमारा एक पंच कितना टोरपोर बढ़ा देता है। तो ये रहा डोडो, तो इसका टोरपोर चेक करते हैं, 172 इसका टोरपोर है। तो एक पंच मारा हमने, तो देखते हैं कितना टोरपोर बढ़ा है इसका। तो देखते हैं कितना टोरपोर बढ़ा है, 10 टोरपोर बढ़ा है इसका एक पंच से। तो आप जो है डोडो को तो नॉक कर सकते हो आराम से, लेकिन बड़े डायनो को नॉक नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनका टोरपोर होता है 1000 से ऊपर होता है, तो इसका तो वैसे भी 200 है। तो और वैसे भी एक और चीज़ है, अगर आपकी जैसे मैंने डोडो को मार रहा हूँ तो मुझे भी चोट लग रही है, अगर आप और बड़े डायनो को मारोगे तो और ज़्यादा चोट लगेगी। और वैसे जो है टोरपो बढ़ना आपके मिली डैमेज पे भी डिपेंड करता है, तो मेरा मिली डैमेज 176 है। जितना अच्छा आपका मिली डैमेज होगा उतना ही ज़्यादा जो है आप टोरपो बढ़ा पाओगे किसी डायनो का। तो अब जो है दूसरे लेवल पर हमारा खुलता है वुडन क्लब, तो ऐसा कुछ दिखता है वुडन क्लब। तो इससे जो है आप थोड़े से ऊपर के डायनो मार सकते हो, मतलब नॉक कर सकते हो, पैरासोर हो गया, डोडो हो गया, पेड्रोडोन भी कर सकते हो इससे नॉक। तो सही टोरपोर इसका जो है हो चुका है, तो इसको पूरा ही नॉक कर देते हैं। तो हो चुका है नॉक। तो जो डोडो है वो हर्बीवोर में आता है, तो ये बेरीज खाता है, और ज़्यादातर सर्वाइवर जो है वुडन क्लब का यूज़ जो है दूसरे अपोनेंट को नॉकडाउन करने के लिए, नॉकआउट करने के लिए यूज करते हैं रेडिंग के डे पे। तो वुडन क्लब आपके लिए शुरुआती लेवल पे बहुत ही अच्छा माना जाता है, अच्छा है आपके लिए अगर कोई डायनो अगर टैम करना है तो। जब आप कोई डायनो नॉक करते हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो आप देख रहे हो पिंक पिंक सा अनकॉन्शियस जहाँ लिखा आ रहा है,
तो ये एक तरह का टोरपोर बताता है। तो अभी जो है ना इसका टोरपोर कम होते जा रहा है, तो ना अगर आप कोई भी डायनो नोक करते हो ना तो उसका टोरपोर जो है मत गिरने देना। नार्कोटिक होता है एक, नार्कोटिक और बायोटॉक्सिन, जो कि नार्कोटिक खुल जाता है आपका 6 लेवल पे, और बायोटॉक्सिन जो है आपको जेलीफिश मारोगे तो मिल जाएगा। जेलीफिश समुंदर में मिलता है, पानी में मिल जाएगा आपको, पानी के ऊपर। तो ये जो अनकॉन्शियस है लेवल इसका कम होते जा रहा है धीरे धीरे, और ये पूरा ही जो पिंक है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो ये उठ जाएगा। तो अगर आप इसे टैम कर रहे हो तो ये टैम नहीं हो पाएगा, आपको दोबारा नोक करना पड़ेगा। इसलिए जो है ये कम होता रहे तो इसको नार्कोटिक खिलाते रहो या फिर बायोटॉक्सिन, दोनों में से कुछ भी खिला सकते हो आप। तो मैं नार्कोटिक खिलाता हूँ इसको दो, तो देखो इसका टोरपोर बढ़ता है, तो देखो इसका दोबारा जो है टोरपोर बढ़ रहा है। और बायोटॉक्सिन और नार्कोटिक जो है आपको दिखाता हूँ, नार्कोटिक जो है 40 टोरपोर बढ़ाता है और बायोटॉक्सिन जो है 80 टोरपोर बढ़ाता है एक बार में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, तो कैसे जो है हम फास्ट जो है डायनो टाइम कर सकते हैं, तो एक तरीका ये है, अगर आपको फास्ट डायनो टाइम करना है तो स्मूदिंग बाम होते हैं, एक होता है 10x और एक होता है 3x और एक होता है 15x, जो कि आपको स्टोर पे मिल जाएगा। आपको उनको एक बार दिखाते हैं। तो ये रहा मेजर स्मूदिंग बाम जो कि 40 एंशिएंट एम्बर का है, 15x है, और मेजर स्मूदिंग बाम जो कि 3x है, 10 एंशिएंट एम्बर में आपको मिल जाएगा। और एक 10x होता है स्मूदिंग बाम, वो आपको केविंग करने पे मिल जाएगा, केव करोगे तो आपको 10x स्मूदिंग बाम मिल जाएगा, बहुत कम चांस होते हैं मिलने के। और वो कुछ ऐसा दिखता है जैसा ये रहा, तो ऐसा दिखता है 10x स्मूदिंग बाम। तो अगर कोई न्यू प्लेयर जो है डायनो देखता है, तो अगर उसे न्यू प्लेयर को वो डायनो टैम करने का मन करेगा, तो वो कैसे पता लगाए कि भाई ये क्या खाएगा, क्या खा के मतलब जल्दी टैम हो जाएगा और इसके क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हो ये अंडा सा जो साइन बना है डोडो के आगे, तो इस पर जो है आपको टेप करना है। तो एक डोडो डेक्स नाम का चीज़ होगा, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो ये मैंने ओपन कर दिया है, तो यहाँ पे जो है डोडो के बारे में सब कुछ बता देगा। तो ये देखो 80 लेवल का वो डोडो था, तो ये उसके बारे में सब कुछ बता रहा है, जैसे बेसिक कीबल है, तो अगर आप इसको बेसिक कीबल खिलाओगे तो 1 मिनट में टाइम हो जाएगा, अगर आप क्रॉप्स खिलाओगे तो 4 मिनट लेगा, और जो एक मेजोबेरी होती है वो खिलाओगे तो 3 मिनट 50 सेकंड लेगा, अगर बेरीज खिलाते हो 3 मिनट। और इसमें जो है आपको क्वांटिटी भी पता चल जाएगा, तो इसको बेसिक केबल 2 चाहिए अगर इसको टैम होना है तो। और वैसे जो है बेसिक केबल बनाने के लिए बहुत हार्ड है बनाना, क्योंकि ना आपको 6 या 7 तरह के डायनो लगेंगे, 5 तरह के डायनो लगेंगे, मतलब 5 डायनो के एग, तो बेसिक केबल आप नहीं बना पाओगे। तो ये ऐप जो है आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, डोडो डेक्स आपको लिखना है बस, और आप इसमें जो है कोई से भी डायनो को सर्च कर सकते हो, ये सब डायनो के बारे में बता देगा आपको। और कुछ भी है जो आप रेसिपी बनाना चाहते हो, एक रेसिपी नाम का होता है, और आप कलर बनाना चाहते हो तो इस पे डोडो डेक्स पे आप बता देगा कि कैसे कलर बनते हैं, कैसे रेसिपी बनती है। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के, तो नंबर 6 पे हमारा खुलता है स्लिंग शॉट और नार्कोटिक। नार्कोटिक के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया, तो स्लिंग शॉट भी से भी आप जो है किसी डायनो को नॉक कर सकते हो। और जो आपको मैंने पहले 2 तरीके बताए थे फिस्ट और वुडन क्लब का, तो उन दोनों से अच्छा है स्लिंग शॉट, क्योंकि जो है वुडन क्लब से ना आप क्लोज रेंज में जाकर डायनो के मारते हो, लेकिन स्लिंग शॉट से आप दूर से ही मार सकते हो। और जैसे आप वुडन क्लब से क्लोज रेंज में किसी डायनो को जाते हो जो वायलेंट है, जो आपको अटैक करता है अगर आप पे भी, तो अगर आप उसको वुडन क्लब से मारोगे तो वो भी आप पे अटैक करेगा, आप भी करोगे, लेकिन आप ज़्यादा चोट खाओगे, ठीक है। तो आप स्लिंग शॉट से जो है आपको बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप बहुत कम पिटो। तो लेवल 7 पे जो है बो एंड एरो खुलता है, और स्लिंग शॉट से अच्छा होता है बो, और बो में जो एरो लगा मतलब आप बनाते हो एक स्टोन एरो होता है, वो जो है टोरपोर नहीं बढ़ाता है स्टोन एरो, उसके लिए जो है आपको ट्रैंक एरो बनाना पड़ेगा जो कि 21 लेवल पे खुलता है, और टॉक्सिकेंट एरो जो होता है वो 62 लेवल पे खुलता है। तो ये दोनों एरो इसमें लगते हैं, बो में लगते हैं, तो इन दोनों से ही जो है टोरपोर बढ़ेगा अगर आप किसी डायनो को मारोगे। जो ट्रैंक एरो होता है और टॉक्सिकेंट एरो, तो टॉक्सिकेंट एरो जो है वो ज़्यादा टोरपोर बढ़ाता है ट्रैंक एरो से। तो अब आपको बता देते हैं ट्रैंक एरो कैसे बना पाओगे आप। तो आपको ना
सिक्स लेवल पे एक मोटर एंड पिस्टल खुलता है, उसको बनाना है और उसके अंदर से जो है नार्कोटिक बनाना है, बताया था मैंने आपको। तो नार्कोटिक बना के क्राफ्टिंग में आना है आपको, और कुछ स्टोन बना ले, स्टोन एरो बना लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे बन रहा है यहाँ पे जो है पॉलीमर चाहिए टॉक्सिकेंट एरो के लिए, और बायोटॉक्सिन चाहिए और स्टोन एरो चाहिए, तभी जो है टॉक्सिकेंट एरो बनता है और ट्रैंक एरो बन जाएगा आपका नार्कोटिक से। 25 लेवल पे खुलता है हमारा क्रॉसबो, ये आप देख रहे हो। तो जो है जो मैंने आपको बताया था प्रीमेटिव मास्टर क्राफ्ट ये सब, तो ये भी समझ लो जो बो है वो प्रीमेटिव है और जो क्रॉसबो है वो मास्टर क्राफ्ट या जर्नी मैन समझ लो, ठीक है। तो इसमें जो भी है क्रॉसबो लग रखा है, और ये जो है बो से ज़्यादा डैमेज करता है और ड्यूरेबिलिटी उससे ज़्यादा है, और इससे ज़्यादा डैमेज और ड्यूरेबिलिटी है कंपाउंड बो की, जो कि आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा। और इसमें जो है आप एक ग्रैपिंग हुक का भी नाम आता है वो भी लगा सकते हो, उससे जो है आप पत्थर पे चढ़ पाओगे। तो अब जो है हमारा 29 लेवल पे खुलता है ट्रैप वेयर नार्कोटिक ट्रैप, तो आपको लगा के बताते हैं। ये भी जो है आप इससे भी जो है किसी डायनो को नॉक कर सकते हो। तो पहले जो आपको इसको ज़मीन में लगाना होता है, पर इसको बिजली चाहिए, अगर ये चलेगा तो बिजली चाहिए, जनरेटर लगाओगे तभी ये काम करेगा। तो आपको ना किसी डायनो के इसके ऊपर से मतलब गुर्ज मतलब चलवाना है जैसे ऐसे, तभी जो है उसका टोरपोड़ बढ़ेगा तो नोक होने के चांसेस होंगे। तो फिर हमारा आता है 35 लेवल पे लॉन्ग नेक राइफल। तो वो में जो है एरो लगते थे ट्रैंक एरो टॉक्सिकेंट एरो, लेकिन जो है लॉन्ग नेक राइफल में जो है लगता है ट्रैंक्लूजर डार्ट, जो कि 62 लेवल पे खुलता है, और लगता है सोकिंग ट्रैंक्लूजर डार्ट जो 96 लेवल पे खुलता है। तो बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं लॉन्ग नेक राइफल का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जो है डैमेज कम करता है और टोरपोर ज़्यादा बढ़ाता है। तो जैसे कि बहुत सारे ग्रिफिन होते हैं जिसमें ना हेल्थ कम होता है और टोरपोर ज़्यादा होता है, जैसे आप मान लो ग्रिफिन हो गया, ऐसे बहुत सारे डायनो हैं। तो उन डायनो को टैम करने के लिए लॉन्ग नेक राइफल बहुत ही अच्छा रहता है। तो फिर जो है हमारा 79 लेवल पे खुलता है कंपाउंड बो, तो कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें जो है अब तो ये जो है क्रॉस बो और बो से दोनों से बेहतर है, इसका डैमेज भी ज़्यादा है उनसे और ड्यूरेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा है। तो ऐसे जो है आप इसको थोड़ा फोकस कर सकते हो, और ट्रैंक एरो लगा रखा है मैंने इसके अंदर। तो फिर जो है हमारा 95 लेवल पे जो है इलेक्ट्रिक पोर्ड खुलता है, जो कि अभी मैं 94 ही लेवल का हूँ इसलिए जो है मैं इलेक्ट्रिक पोर्ड यूज़ करके नहीं दिखा सकता। वो भी जो है टोरपोर बढ़ाता है डायनो का। और फिर जो है लास्ट में है आता है पैन, पैन करके एक तवा जैसा ऐसा होता है जो कि आपको स्टोर पे मिल जाएगा, कम से कम 1000 या 1500 का होता है, आपको खरीदना पड़ता है वो, या फिर आपको डंजन में भी मिल जाता है वो पैन, पर उसकी जो है डंजन वाली जो आपको मिलेगी तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है, डैमेज भी बहुत कम होता है, लेकिन वो भी अच्छा ही खासा टोरपोर बढ़ाता है। अगर आप उसको ख़रीदते हो तो अच्छा वाला मिलता है आपको, टोरपोर भी बहुत ही अच्छा बढ़ा देता है, एक बार ही आप किसी डायनो को मारोगे तो वो सीधा नॉक हो जाएगा, ऐसा होता है वो पैन। तो गाइस इतना ही, जितने वेपन थी मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा वीडियो से। तो एक खुशी की बात भी है हमारे लिए क्योंकि जो है हमारे चैनल ने 1000 हावर वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया है। तो आपका ऐसा ही अगर सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी हम और ऊपर तक जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नई वीडियो में।